Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Subal Khan presenting my 13th lecture of class 3 from Oxford Progressive English. Unit number 3, send me an email. Lesson number 4, sentences, adverbs, page 16, plus sentences. Here is your book title page. Unit number 3, lesson number 4, sentences, adverbs. First you have to know about the adverbs. Adverbs hote kya hai, theek hai? The definition of adverbs you have learnt in previous classes. I am giving you a review of adverbs. Adverbs hote kya hai? Hamare paas add meaning in the verbs. Jo meaning add karte hain verbs mein. Verbs hamare paas kya hote hain? Action words, theek hai? Action words are called verbs. Hamare paas jo hum action kar rahe hote hain wo hamare verbs hote hain. Aur jab verbs ko describe karte hain, another example of adverbs is describing a verb. Jo verb ko describe kar raha hota hai aur mazeed se, jaise humne adjective padha tha, describing words of noun, to noun ko describe kar raha tha. Isi tarah jo adverb hota hai wo verb ko describe karta hai, theek hai? So adverbs hamare paas basically kya hote hain? Describing a verb. Complete, look at this. Complete Mr. Burkey's email using the given adverbs. We have adverbs here. हमने क्या करना है? पुट द करेक्ट एडवर्ब एंड इंसर्ट द ब्लैंक्स. हमने ब्लैंक्स में पुट करना है करेक्ट एडवर्ब्स को. लिसन मी वेरी केयरफुली. ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को लुक एट दिस. दिस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है, पैराग्राफ होते हैं. ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को आई गॉट लॉस्ट इन द माउंटेन्स. में माउंटेन्स में खो गया था. अब ये मिस्टर बर्की ई मेल लिख रहे हैं, ठीक है? आई यूजली स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द टाउन. मैं यूजली आमतौर पर, ठीक है, यूजली आमतौर पर मैं टाउन से लेकर टू द विलेज एट 2 o'clock. मैं जो है 2 o'clock पे काम स्टार्ट करता हूँ अपने शहर से लेकर गाँव तक. बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को आई स्टार्टेड माई वर्क एट 4 o'clock. लेकिन मैंने स्टार्ट क्या किया? 4 बजे स्टार्ट किया अपना काम. वो कह रहे हैं मोस्टली मैं अपना यूजली आमतौर पर काम 2 बजे स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज मैंने काम अपना 4 बजे स्टार्ट किया है. Towards later, this one, towards later, 2 घंटे बाद. यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं. 2 घंटे बाद कह रहे हैं मैंने अपना वॉक स्टार्ट किया था. इट स्टार्टेड टू गेट डार्क. वो कह रहे थे डार्कनेस होती जा रही थी, यानी शाम होती जा रही थी. आई मेड अ मिस्टेक. मैंने गलती की एंड टुक द रॉन्ग पाथ. और गलत रास्ता ले लिया. द पाथ एंडेड इन सम फील्ड्स एंड आई वॉज लॉस्ट. वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं लगी कि मैंने गलत रास्ता ले लिया था और मुझे जो रास्ता था वो एंड पे जाके खेतों में रुकता था जाके, और मैं घूम गया यानी खो गया. आई वॉक स्लोली. स्लोली मतलब आहिस्ता से मैं चल रहा था. डाउन हिल्स अगेन. मैं दोबारा से पहाड़ों की तरफ नीचे नीचे उतर रहा था. सडनली अचानक आई सॉ अ लाइट इन अ हाउस. मैंने एक घर में क्या देखा? एक लाइट जलती हुई देखी. आई नॉक्ड लाउडली. मैंने तेज़ी से खटखटाया, ज़ोर से खटखटाया दरवाज़ा. एंड आस्क द पीपल फॉर द हेल्प. और मैंने उनको आवाज़ लगाई कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. बिकॉज अब आई वॉज लॉस्ट. क्योंकि मैं खो गया हूँ. आई स्लेप्ट द रेस्ट ऑफ द नाइट इन देयर हाउस. मैं वहाँ पूरी रात मैंने सोया रहा. मैंने वहाँ पूरी रात गुजारी उनके घर में. द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर सुबह के वक्त, आई फाउंड द राइट पाथ. फिर मुझे समझ में आया सुबह के वक्त कि मैं गलत रास्ते पर था. फिर मैंने सही रास्ता पकड़ा. आई विल नेवर वॉक एट नाइट इन द माउंटेन्स अगेन. वो कह रहे हैं मैं नेक्स्ट जो है वो कभी भी माउंटेन्स में अकेले नहीं जाऊँगा और रात के वक्त नहीं जाऊँगा. नाउ राइट द एडवर्ब्स ऑन द करेक्ट लाइन्स. आपने अब क्या करना है कि करेक्ट लाइन्स के ऊपर आपने एडवर्ब्स लिखने हैं. कैसे? वैन. वैन मतलब कब. ऑन फ्राइडे, अब आपने कब कब बताना है, ठीक है? ऑन फ्राइडे एट 4 o'clock, 2 hours लेटर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग. ये हमारा कब है, वैन पूछा है उन्होंने. हाउ ऑफन. हाउ ऑफन का मतलब होता है अक्सर औकात. कैसे? अक्सर. यूजली एंड नेवर. यूजली मतलब आमतौर पे, और नेवर कभी नहीं. हाउ कैसे. स्लोली एंड लाउडली. ये एक्शंस को बता रहा है. मूविंग टू नेक्स्ट. पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस. ईच सेंटेंसेज विद अ फुल स्टॉप एंड विद द ईच सेंटेंसेज विद फुल स्टॉप्स. वी हैव द जम्बल सेंटेंसेज. हमारे पास ये देखें जम्बल सेंटेंसेज है, स्क्रम्बल्ड. इनको हमने क्या करना है? अरेंज करना है. वी हैव डन इट ऑन यूनिट नंबर 1. हाँ, यूनिट नंबर 1 में हम ये कर चुके हैं सेंटेंसेज को अरेंज करना. क्या है हमारे पास सेंटेंसेज को अरेंज करेंगे? हम नोटबुक्स पर. यहाँ पर आपके पास ओरल एक्टिविटी है. What about you? Write a complete sentence to answer each question. It's your oral activity. आपके ख्याल में आपका क्या है? What do you usually have for breakfast? आप अपने breakfast में आम तौर पर क्या खाते हो? Usually बोलते हैं आम तौर पर. I usually eat. यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप खाते हो अपने breakfast में. What time did you go to the bed last night? आप रात को जो है last night पिछली रात को कितने बजे सोने गए थे? Last night I go to sleep या go to bed at टाइम कुछ भी लिख दो. 10 o'clock, 12 o'clock, जब भी आप सोने गए थे. डिड यू राइट द आंसर टू नंबर 2 नीटली?
और अनटाइडली, टाइडली. ओके, उन्होंने कहा है कि आपने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, उसका जो आंसर है वो नीटली लिखा है या गंदे तरीके से लिखा है. सो ये आप उनको बताओगे. क्वेश्चन उस पर आ जाते हैं, सेंटेंसेस पे, एज आई हैव टोल्ड यू कि हम नोटबुक पर करेंगे. लेसन नंबर फोर लिखा, सेंटेंसेस लिखा, क्वेश्चन लिखा हमारे पास. अब हमारे पास ऊपर मैंने यहाँ पर जंबल वर्ड्स भी लिखे हुए हैं और रीअरेंज करके भी लिखा हुआ है. सो लेसन में वेरी केयरफुली हमारे पास वर्ड्स हैं, इन द माउंटेन्स, द हाउस, एट 10 o'clock वी लेफ्ट. अब इनको अरेंज करें. वी लेफ्ट द हाउस एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. हमने यहाँ पर THEE यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर आप ई लगा लीजिएगा. उन्होंने कहा है कि हमने 10 बजे सुबह के वक्त घर छोड़ा मतलब बाहर निकल आए घर से अपने काम की तरफ. वी अराइव्ड लेटर. आगे क्या है हमारे पास, एट द सी साइड वन आवर. अब ये हमारे पास वर्ड्स हैं, इनको हमने अरेंज करना है, सेंटेंस में करना है, प्रॉपरली सेंटेंस में करना है, सेंसिबल सेंटेंस में करना है. वी अराइव्ड एट द सी साइड वन आवर लेटर. हम सी साइड पर 1 घंटा लेट पहुँचे, देर से पहुँचे. अब नेक्स्ट क्या है जंबल वर्ड्स, ट्वाइस ड्यूरिंग द डे, यूजुअली स्विम्स माई सिस्टर. अब क्या है, माई सिस्टर यूजुअली स्विम्स ट्वाइस ड्यूरिंग द डे. वो कह रही कि मेरी बहन जो है वो दिन में 2 बार जो है वो स्विमिंग करती है आम तौर पर. आगे वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्विम्स माई मदर इन द सी नेवर. अच्छा, अब यहाँ पर हमने अरेंज क्या करना है, माई मदर नेवर स्विम्स इन द सी. मेरी मदर ने कभी भी सी में स्विम नहीं किया, वो कभी भी नहीं करती. लास्ट है हमारे पास, देन आई ईट माई सिस्टर मोर फ्रूट. ठीक है, आई ईट मोर फ्रूट देन माई सिस्टर. मैं अपनी फ्रेंड से ज़्यादा फ्रूट खाती हूँ या खाता हूँ. प्रॉपरली फुल स्टॉप्स मैंशन करने हैं, उन्होंने आपको बताया हुआ है. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ एवरी सेंटेंस. ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कम्प्लीटिंग योर वर्क. ओके, होमवर्क पे आ जाते हैं. जब आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसी के नीचे से डिक्टेशन लिस्ट, डिक्टेशन वर्ड्स की हेडिंग देनी है. डिक्टेशन वर्ड्स आपके पास क्या है, डिक्टेशन लिस्ट क्या है आपके पास, टाउन, शहर, इंटरनेट जो नेट होता है, ब्रिज पुल, बूंद सून जो बारिशों का मौसम होता है, अटैच किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ना, अंडरस्टैंड समझना, स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड बोलते हैं फंसे हुए. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट लेसन में जब हम स्टोरी पढ़ेंगे ना, वो पोइम, उसमें आपके पास आएगा स्ट्रैंडेड स्टार, यानी फंसा हुआ स्टार, मुश्किल में जो होता है. कैनोइंग, कैनोइंग बोलते हैं बहुत डीप, गहरा. स्नैक्स, स्नैक्स आपको पता है क्या होता है, सस्पिशियस होता है बहुत स्पेस वाला. ठीक है, सस्पिशियस मतलब तशवीशनाक, और ये भी होता है कि उसमें सस्पिशियस जो मशकूक टाइप होते हैं, जो वियर्ड होते हैं बेसिकली, उनको बोलते हैं. हैंड राइटिंग हैंडबुक पेज पे 21 से 25 भी आपका होमवर्क होगा. थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे.